देखिए, हम जो एक अगस्त की जो समाज के सबसे कमजोर दो वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको बांटने वाली, उनको किसी को कुछ देने वाली नहीं, उनके पास जो है उन सबसे छीन लेने वाली जो दो जजमेंट आई हैं, जो जजमेंट आई है उसकी निंदा करने के लिए, उसकी हम कंडेम करने के लिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। देश भर से सारे वकील आए हैं यहाँ पे। पूरे देश में काफ़ी सालों से लड़ रहा था, 40-50 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और फाइनली हमें इस लड़ाई में जीत मिली है। तो इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा और जो भाई है दूसरे वाले हमारे जो विरोध कर रहे हैं इसका, उन्हें हमें पता है इसमें देखो उनको नुकसान होगा। शिक्षा इतनी महंगी की जा रही है कि उसके लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए वो ही ले नहीं पा रहे लोग, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे। जहाँ एक तरफ आज भारत बंद है एससी एसटी वर्ग को लेकर, जिस तरह से क्रिमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से करी गई कि एससी एसटी वर्ग में भी क्रिमी लेयर लागू करा जाएगा, ऐसे में एक तरफ आप देख सकते हैं कि उसका विरोध किया जा रहा है, तो आज उसी के बराबर में यहाँ पर समर्थन करने के लिए काफ़ी सारे लोग उतर कर आ चुके हैं। यहाँ पर आप यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं इस जो कानून, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इस कानून को लागू किया जाए, क्या कारण है इसे समर्थन करने का? कारण यही है कि जो आरक्षण के अंदर हम लोगों को बेनिफिट पहले जो नहीं मिलता था, और डीएससी वर्ग इस लड़ाई को पूरे देश में काफ़ी सालों से लड़ रहा था, 40-50 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और फाइनली हमें इस लड़ाई में जीत मिली है। तो इसमें हमें बेनिफिट मिलेगा और जो भाई है दूसरे वाले हमारे जो विरोध कर रहे हैं इसका, उन्हें हमें पता है इसमें देखो उनको नुकसान होगा, क्योंकि अब हमारे जो युवा है, पढ़े लिखे युवा आज भी घरों में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें वो वर्ग का जो है आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाता। इस जजमेंट से, इस वर्गीकरण से पूरे डीएससी वर्ग को बिल्कुल फायदा मिलेगा, 100% फायदा मिलेगा, और इसलिए हम अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए हम खुशी व्यक्त करने के लिए आए, धन्यवाद करने के लिए आए हैं। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा और यहाँ पर केंद्र सरकार भी वाली बात कहती नजर आ रही है शुरुआत से, कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें जो लोग कहीं ना कहीं देखा जाए फाइनेंशियली अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे तो अभी भी पीछे रहते जा रहे हैं, यही कारण है इसको कहीं ना कहीं इस एससी एसटी वर्ग में इसे लागू करने का। ऐसे में अगर ये लागू होता है तो क्या जो लोग फाइनेंशियली कमजोर रह गए क्या उन्हें मौका मिल पाएगा? बिल्कुल मौका मिल पाएगा, 101% मौका मिल पाएगा। आप भी अभी देखिए एससी सीट जितनी भी है, मैं गुड़गांव से हूँ, गुड़गांव के अंदर अगर आप राजनीति में ले तो गुड़गांव के अंदर पार्षद की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, पार्षद की 6 सीटें रिजर्व है, 6 में 1 वाल्मीकि, 5 हमारे चमार भाई है, ठीक है। दूसरी ओर आप मेयर में आ जाइए, मेयर की 1 सीट है, मेयर में हमारे चमार भाई है उस सीट पे बैठे हुए। अब आप जो एससी सीट रिजर्व विधानसभा की है उसमें आ जाइए, पटौदी की 1 विधानसभा सीट है हमारी एससी रिजर्व है, उसमें चमार भाई है। हमने तो खून पसीने से हर तरह से इन भाइयों को बनाया है, लेकिन आज देखने को मिल रहा है आज हमारे खिलाफ खड़े हैं, तो कोई बात नहीं, खिलाफ खड़े रहे क्या, हम मानते हैं हमारे बड़ों में लीडरशिप नहीं थी, और हम ये भी मानते हैं कि जो वाल्मीकि समाज के और पूरे डीएससी समाज के जितने भी नेता है, जितने मंत्री प्रेजेंट सरकार के अंदर जो मौजूद बने हुए हैं, वे सारे के सारे निठल्ले हो चुके हैं। हम ये भी मानते हैं, हम उनका भी विरोध करते हैं, उनका भी बहिष्कार करते हैं, हमें एक नई लीडरशिप चाहिए। हमेशा बीएसपी आजाद समाज पार्टी के ही मतलब एक पारिवारिक वो नहीं चलेगा, हमने भी हमारे बुजुर्गों ने भी खून पसीने से सींचा इस पार्टियों को, हमें अपना नेतृत्व चाहिए, हमें अपना हक चाहिए, और हम अपना हक लेकर रहेंगे, अपना नेतृत्व खुद करेंगे, अपनी लीडरशिप खुद करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जैसे कि आप सभी ने देखा कि यहाँ पर तमाम बातें करी जा रही हैं, और अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर गुलाब के फूल आप लोग लेकर आए, क्या संदेश यहाँ पर देना चाहते हैं पूरे देश को? सर, हम संदेश ये देना चाहते हैं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसको हम मानते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने फैसला दिया हम उनका स्वागत करते हैं, जिन लोगों ने ये केस लड़ा हम उनका स्वागत करते हैं, और जो लोग कह रहे हैं कि भारत बंद करने के लिए, हम सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के कानून से कहना चाहते हैं, जो भारत बंद करने की बात कर रहे हैं उनके ऊपर केस लगना चाहिए, उनको जेल में ठोकना चाहिए। देखिए, हम जो एक अगस्त की जो समाज के सबसे कमज़ोर दो वर्ग हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनको बांटने वाली,
उनको किसी को कुछ देने वाली नहीं, उनके पास जो है उन सबसे छीन लेने वाली जो दो जजमेंट आई हैं, जो जजमेंट आई है उसकी निंदा करने के लिए, उसकी हम कंडेम करने के लिए आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। देश भर से सारे वकील आए हैं यहाँ पे, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, ये वजह। सुप्रीम कोर्ट डाउन डाउन, सुप्रीम कोर्ट डाउन डाउन। देखिए हमारी मांग किसी से क्यों होगी, भारत का संविधान है, हमारी सारी मांगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के जरिए पूरी कर चुके हैं। ये जो संविधान के साथ धोखाधड़ी हो रही है, हमारी मांग ये है कि ये धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वही एक्शन लेने के लिए हम अब सड़कों पे आए हैं। आप बताइए, अगर बैकलॉग की जितनी नौकरियां हैं अगर वो अवेलेबल करा दी जाएं, तो किसी भी समाज का कोई भी सबकास्ट है उसके घर में कोई घर ऐसा नहीं बचेगा जिसके पास अच्छी नौकरी ना हो। एक बात, अगर SC ST सब प्लान का पैसा जो चुरा लिया गया है, लाखों करोड़ रुपया, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो एक भी SC ST परिवार ऐसा नहीं रह जाएगा जो करोड़पति ना हो। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने एक शब्द नहीं बोला, इसलिए हम उसकी निंदा कर रहे हैं। आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आपके पास एक अधिकार है कि आप रिव्यू फाइल कीजिए, क्यूरेटिव फाइल कीजिए, आप उसके जरिए भी लड़ाई लड़ सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट बता सकते हैं कि आपकी जजमेंट में ये खामियां हैं। सड़क से क्या समस्या हल होगी? देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि जब जो बात कान के पास बोलने से सुनाई ना दे रही हो, तो कान के दूर से जब ज्यादा लोग बोलते हैं, जब ज्यादा सुनाई देती है, और सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस ये कह चुके हैं हमारे ऊपर दबाव है, तो हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ भी सहानुभूति रखते हैं। ये जजमेंट ऐसी जजमेंट है जो साफ तौर पर ये दर्शाती है कि दबाव में दी गई है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी रक्षा करें, उनको दबाव से निकालें ताकि वो इस प्रकार की जजमेंट देने के लिए बाध्य ना हो। 2024 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये फैसला आता है कि भाई SC ST वर्ग में क्रिमिनल लेयर लागू होना चाहिए, उसके बाद से कहीं ना कहीं सियासत जो है वो भी गरमाने लगी है, और आज ठीक सुप्रीम कोर्ट के सामने तमाम वकील हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं इस फैसले के खिलाफ। मेरे साथ सारे सर, क्या मांग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से है, क्या मांग यहाँ पर केंद्र सरकार से? पहली बात तो जो डिसीजन आया है क्रिमिनल लेयर पे, क्रीमी लेयर का सरकार के पास ऐसा कौन सा पैमाना है, उन्होंने ऐसा कौन सा सर्वे कराया है, कितनी जातियां पिछड़ गई हैं, कितनी, तो सरकार के पास इस प्रकार का कोई डेटा नहीं है, तो इसको कैसे लागू करेंगे? दूसरी बात यह है कि काबिल ही नहीं है लोग, जैसे अभी ये नोट फाउंड सूटेबल वाला, इन्होंने सारी नौकरियां जो प्राइवेट कर दी, तो हमारी डिमांड ये है कि पहले एक सिस्टम बनाओ और इस सिस्टम पे लाओ, तो सरकार पहले इसको जो है अध्यादेश ला करके इसको वापस ले और इस पर ठीक से जो है सर्वे करें। आपके पास तो सर्वे ही नहीं है, सेंसस ही नहीं है। शिकायत सरकार से है या सुप्रीम कोर्ट? नहीं, शिकायत सरकार, डिसीजन तो सुप्रीम कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट को सरकार से मांगना चाहिए था ये सारी चीजें, भाई पहले ये चीजें तो लाओ, ये एक पक्षीय फैसला है। सरकार बोल रही है हम अभी भी पुराने नियम पर चल रहे हैं, हमने कोई क्रिमिनल लेयर जो है वो लागू नहीं करा है और ना ही हम करेंगे। नहीं, सरकार तो जो सरकार कहती कुछ है करती कुछ है, ये सरकारें जो है भरोसे के लायक नहीं है। तो आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी, क्योंकि इन्होंने लिया लेटरल एंट्री वाला वापस लिया ना, क्यों लिया, विरोध हुआ, लोग विरोध आए, नहीं तो ये वापस लेने, एक इन्होंने एंट्री कर दी पहले, 63 लोगों की भर्ती कर दी पहले उसमें, अब जो 45 की फिर आई वैकेंसी तो इन्होंने वापस कर लिया, तो आवाज़ तो उठानी है विरोध के, जो विरोध करना है, तो अभी जो है हमारी जो है ये डिसीजन गलत है, इस डिसीजन को हम कंडेम करते हैं और सरकार से डिमांड ये करते हैं, ये हमारी डिमांड है कि इस पर जो है सरकार जो है इस पर एक अध्यादेश ला करके इसको जो है वापस कर। जी बिल्कुल जी सर, यहाँ पर क्या मांग सुप्रीम कोर्ट से है, क्या मांग केंद्र सरकार से है? हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि जो 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जजमेंट दी है, जिसमें उन्होंने सब क्लासिफिकेशन अनुसूचित जाति के अंदर और SC ST के अंदर क्रीमी लेयर की सलाह दे डाली सरकारों को, वो जजमेंट को केंद्र सरकार ऑर्डिनेंस ला के निरस्त करे, और निरस्त करने के बाद इसको 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 पर आरक्षण कानून बनाए और उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में डाले, ताकि उसके अंदर छेड़छाड़ ना की जा सके। सर, केंद्र सरकार कह रही है कि हम क्रिमिनल लेयर जो है हमने अभी लागू नहीं करा है, ना हम आगे चलकर ना करने वाले, वो सलाह है सिर्फ, लागू की तो बात ही नहीं है। तो आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत हो चुकी, आरक्षण को खत्म करना किया जा रहा है, सब कुछ प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी की जा रही है कि उसके लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए वो ही ले नहीं पा रहे लोग, पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रहे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से लॉ करने के लिए 5 साल की डिग्री के लिए 20 लाख रुपया चाहिए, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी और नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग करने के लिए कम से कम 15 लाख रुपया चाहिए। लोगों के पास पढ़ने के लिए पैसा ही नहीं है, जब पढ़ ही नहीं पाएंगे उस एग्जाम में बैठने लायक बन ही नहीं पाएंगे, तो सब लोगों को हिस्सा मिलेगा कैसे? कोई स्टडी नहीं है, कोई डाटा नहीं है, हवा में जजमेंट है।
इसीलिए हम इस जजमेंट का विरोध करते हैं। भारत बंद आज कराए, कितना असर सुप्रीम कोर्ट पर पड़ेगा इसका? हुआ है पूरे देश में बहुत अच्छा, अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से बिना किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, अपने कानून का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए, अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्वक आज भारत बंद भारत में सफलतापूर्वक किया गया है और मैं सब लोगों को उसके लिए बधाई देता हूं। तो जैसा कि आप सभी ने सुना कि किस तरह से यहाँ पर जो तमाम वकील हैं कुछ समर्थन कर रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, कुछ यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार से यहाँ पर अलग मांग है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। पूरी तरह से यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने खड़े होकर वकीलों द्वारा विरोध करा गया, आज भारत बंद भी करा गया। अब देखना यही दिलचस्प होगा कि आखिरकार इस भारत बंद करने को लेकर कितना असर सुप्रीम कोर्ट पर पड़ेगा, क्या इस फैसले में कुछ सुधार किया जाएगा आने वाले समय में, या फिर आने वाले समय में SC ST वर्ग में क्रिमिलियर लागू होकर रहेगा। मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन गोविंद के साथ।